हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि अभी हम लोग सॉलिड ऑफ रिवेलेशंस में वॉल्यूम ऑफ रिवेलेशन एंड एरिया ऑफ रिवेलेशन पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है वो है वॉल्यूम और एरिया दोनों से रिलेटेड, बट वो स्फेयर बना है। और इतना तो आपको पता ही है कि वो स्फेयर कैसे बनता है। तो एक सेमी सर्कल होता है और उसके डायमीटर के अबाउट में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवॉल्व कराते हैं। तो एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है जो एक्चुअली स्फीयर बन जाता है। और जब वो स्फीयर बन गया तो उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया, और उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालना है, फिर हमको सरफेस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, कर आप फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है और उसका आपको क्या क्या पता करना है, वॉल्यूम निकालना है और एरिया पता करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन द स्फीयर इज फॉर्मड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अपर हाफ ऑफ द सर्कल। सीधा सीधी बात है, जब सर्कल का अपर हाफ लेंगे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा और सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर जीरो रखे और रेडियस ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ए ए डैश के अबाउट में हम इस सेमी सर्कल को अगर हम रिवॉल्व कराएं तो ऑब्वियसली स्फीयर बनेगा। तो कहता है जो भी स्फीयर बना उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हमको पता है वॉल्यूम का एरिया, डायरेक्ट हमको पता है, हम डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। यहाँ लिखे हैं द वॉल्यूम वी ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जो कि स्फीयर है, सो जनरेटेड, जो भी जनरेट हुआ इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो माइनस ए से प्लस ए, पाई वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ वाई हो जाएगा, और डीएक्स, और क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेबल है तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर वी कैन राइट दिस, और उसके बाद कुछ नहीं, सिमेट्रिसिटी है। देखो यहाँ पे पूरा पोर्शन का निकालना, मतलब आधा का निकाल दिए, जिसको हम माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करेंगे उसको हम जीरो से ए तक इंटीग्रेट करके दोगुना कर दिए, तो टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए, बाकी इंटीग्रेशन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट किए, कितना आंसर आया, फोर पाई ए का क्यूब अपॉन थ्री। और हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस अगर आर होगा तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो फोर बाई थ्री पाई आर का क्यूब होता है। तो यहाँ ए है इसलिए हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर का, पाई ए का क्यूब हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका वॉल्यूम का सवाल। अब इसी का हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सेम उसका भी फॉर्मूला पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए हम सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि S जो है सरफेस एरिया है, ठीक है, और अगर S सरफेस एरिया है तो फॉर्मूला मेरे पास कितना था आपको पता होगा, S इज इक्वल टू था, इंटीग्रेट करना है माइनस ए से प्लस ए तक, तो माइनस ए टू प्लस ए, टू पाई डिस्टेंस, टू पाई तो होगा ही क्योंकि टू पाई आर होता है पीरियड, पेरीमीटर जो होता है टू पाई आर, तो टू पाई आर, आर के जगह पर कितना होगा यहाँ से यहाँ तक वाई मान लो, और फिर इंटू डी एस, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्किल सेमी सर्किल का इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा टू वाई डी वाई डी एक्स, लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टू एक्स हो जाएगा सिंपली प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल जीरो, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का मतलब हो गया माइनस एक्स बटा वाई, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस एक्स वाई वाई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी एस बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए बाई वाई। अब ये जो डी एस है तुम्हारा कितना हो जाएगा ए बाई वाई इंटू डी एस, तो ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे डी एस है वहाँ पे आप क्या रखेंगे ए बाई वाई इंटू डी एस, जैसे ही रखेंगे तो टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेट कहाँ से पता करना है माइनस इंटू प्लस है, माइनस ए टू प्लस है वाई, ऑलरेडी वाई है आपका वाई रहने दीजिए, इन प्लेस ऑफ डी एस यू कैन राइट ए बाई वाई डी एक्स, ए बाई वाई डी एक्स, वाई वाई कैंसिल ए, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, और टू पाई ए कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, लिमिट जैसे भी डालेंगे कैलकुलेट किए फोर पाई ए का स्क्वायर स्क्वायर लिमिट, क्योंकि ये सरफेस एरिया का एरिया, सरफेस एरिया, क्लियर।
तो इस तरह से हम लोग जो है सॉलिड स्फीयर का भी सरफेस एरिया पहले से पता है, वो तो था पाई 4 पाई आर का स्क्वायर। तो क्योंकि आर के जगह में ए है इसलिए हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एक स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जो मैंने इस ये जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मैंने जाना। ठीक है, हम लोग यूज क्या किए, तो सॉलिड ऑफ रिलेशंस में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या करने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए और एरिया निकालने के लिए, मैंने हूबहू उसी को यूज किया और उसी का एप्लीकेशन किया। और आंसर आपके सामने में है, आप देख सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता है ये आंसर, आपने पहले भी पढ़ा है कि सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है और सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको देखना होगा, एक जो है आपका, यहां देखिए ध्यान से, ये आपका पाराबोला है और ये पाराबोला का पार्ट है, ये पाराबोला जो कर्व उसका पार्ट है, और ये पार्ट कहां तक है, तो लेटेस्ट रेक्टम तक, ये देख रहे हो फोकस से पास करने वाला लाइन है, तो लेटेस्ट रेक्टम तक का पार्ट जो है ले लिया गया, और इस पाराबोला को वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है वाई एक्सिस, इसके अबाउट में इसको रिवॉल्व कराएंगे। तो जैसे ही हम इस पाराबोलिक पार्ट को रिवॉल्व कराएंगे टेंजेंट एंड वर्टेक्स मतलब वाई एक्सिस के अबाउट में, तो ये एक इस तरह का शेप का फॉर्मेशन करता है, जो कि इस तरह के शेप को हम लोग एक नाम दिए हैं जिसका नाम है रीम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रीम का वॉल्यूम क्या होगा। स्पष्ट है कि यहां जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा वाई एक्सिस है, क्लियर सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वही क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील दस जनरेटेड। जो भी रील आपका बना उसको हमको उसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले पैराबोला लिख दिए, ठीक है, हमको पता है ए मेरा वर्टेक्स है, एस मेरा फोकस है, एल एलएस लेटेस्ट रेक्टम है, और उसका 1.a,2a हो जाएगा और यहां a,-2a हो जाएगा, जैसा कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कहां पर, तो कॉनिक सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिंस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज y एक्सिस, सो वॉल्यूम ऑफ द रील इज इक्वल टू v, दैट्स व्हाई v इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो -2a से अपर, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो -2a से +2a तक, और पाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से इस बार जो है यहां से कितना हो जाएगा, पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और dy के रिस्पेक्ट मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर इस x स्क्वायर को आपको चेंज करना है, x स्क्वायर के लिए सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको कैलकुलेट करके जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देंगे, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखिए जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो क्यों ना हम एक पार्ट का एरिया लेकर दुगुना कर दें, मतलब एक पार्ट का डेफिनेटली क्लियर कर दुगुना कर दें, तो 2 टाइम्स कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए 0 to 2a और y टू द पावर 4 dy, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट डाल दिए, अब तक कैलकुलेशन विल गेट द डाटा 4a 4 पाई a का क्यूब अपॉन 5, यही आपका वॉल्यूम ऑफ दिस रील है। फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, कोई नया चीज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखिए, फिर एक नया क्वेश्चन आपको देखा। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आप देख सकते हैं, कह रहा है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h कट ऑफ फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ रेडियस a इज पाई h स्क्वायर इनटू a माइनस h बाय 3। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्फेरिकल कैप जो बन रहा है h हाइट का है, उसका आपको क्या करना है, रेडियस सॉरी उसका आपको वॉल्यूम पता करना है, और वो जो स्फेरिकल कैप ले रहे हैं वो किसी स्फेयर से ही फॉर्मेशन हो रहा है जिसका रेडियस कितना है a। करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक सेमी सर्कल ले रहे थे, क्योंकि हमको मेरा जो सवाल है वो वॉल्यूम ऑफ सॉरी क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है तो पहले वो सॉलिड बनाना है रिवॉल्यूट करके,
तो वो सॉलिड कैसे बनेगा? तो क्योंकि हमको स्फेयर बनाना है इसलिए सेमी सर्कल लेना पड़ेगा। तो हमने एक सेमी सर्कल कंसिडर कर लिया ए बी सी, देख सकते हैं उसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस सेमी सर्कल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हुए रोटेट करा रहे हैं। तो जैसे ही रोटेट कराएंगे तो एक स्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें से हम ये जो देख रहे हो एक कैप बना हुआ है जिसका हाइट है कितना से कितना, तो एच हाइट का एक एच यहां से आता है, एच हाइट का एक टोपी हो गया, कैप हो गया। इसी कैप का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो हमको पता है वाई वॉल्यूम हो गया तो ये हाइट हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ वी टेक ए स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट एच दैट वॉल्यूम ऑफ कैप इज वी, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो लाइन है ये वाई सेम है, तो वाई जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच टू ए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए है, तो ये ए माइनस एच से इंटीग्रेट करेंगे ए तक जाएंगे जो गैन पाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक चल रहे थे कितना है एक्स, और एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर मतलब एरिया इन टू ये पूरा का पूरा क्या करेंगे लेंथ, जहाँ से यहाँ तक लेंथ कवर होगा, तो एरिया इन टू लेंथ मतलब एरिया इन टू हाइट वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन ये डी वाई जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए माइनस एक्स से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा, जो कि देख रहे हो। अब बाकी क्या है, इस पार्ट का कैलकुलेशन है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर को आपको वाई में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को वाई में चेंज करने के लिए यहां से देखो, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उधर जो है कैलकुलेशन किया हुआ है, आपको मैं कैमरा को फेस कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इधर आप देखो, ठीक है, आप देख रहे हैं क्या है आपका पाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं ए माइनस एस से ए तक, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाय वाई, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय थ्री, और लिमिट कहां से कहां तक, ए माइनस एस से ए तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी है कैलकुलेशन किए हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, और अल्टीमेटली आपको सबसे लास्ट में आ जाएगा पाई एच का स्क्वायर ए इन ए माइनस एच बाई थ्री, जो कि आपको ऊपर में भी आंसर दिख रहा होगा। और यही मेरा डिमांड था कि हमको उतना जो भी मेरा स्फेरिकल कैप है उसका जो एरिया होगा वो उतना, सॉरी उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई एच का स्क्वायर इंटू ए माइनस एच बाई थ्री हो जाएगा, जो कि हमने भी लाया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप बढ़िया से कर लीजिए, बाकी कोई दम नहीं है, ठीक है। तो वो जो कैप आपको देख रहा होगा उसका हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए और सवाल देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, एक उसी तरह का एक कॉमन क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलिप्सॉइड बन रहा है उसका आपको वॉल्यूम पता करना है। तो बस सिंपल सी बात है, जब हम कर्व पाराबोला लेते हैं तो पाराबोलाइड बनता है, जब हम सर्किल लेते हैं तो स्फेयर बनता है, उसी तरह से जब हम इलिप्स लेंगे तो जो भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस बनेंगे वो आपका इलिप्सॉइड हो जाएगा। तो सीधा सीधी बात है, एक इलिप्स पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, ठीक है, फॉर्म बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक्सिस मानते हुए जब इस अपर पार्ट ऑफ इलिप्स को हम रिवॉल्व करते हैं तो हमको एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन मिलता है, एंड दैट सॉलिड इज कॉल्ड व्हाट, दैट सॉलिड इज कॉल्ड इलिप्सॉइड, क्लियर। ये जो अंडा आप देखते हैं ईग, वो है इलिप्स का ही शेप होता है, तो वो इलिप्सॉइड है, ठीक है। चलिए, तो कहता है किसका वॉल्यूम बताइए, तो सीधा सीधी बात है, तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, पाई वाई का स्क्वायर, ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा पाई वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स, बट हमको वाई स्क्वायर को चेंज करना है एक्स के फॉर्म में, तो यहां से आप वाई स्क्वायर आपका चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, जो कि यहाँ हम लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर बी स्क्वायर को बाहर कर दो, और सिमेट्रिसिटी का यूज करते हुए जिसको हम माइनस से प्लस से कर रहे हैं उसको हम टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए करते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए, टू हो गया बाहर, पाई ऑलरेडी बाहर है, बी को बाहर कर दिए बी स्क्वायर को, और इंटीग्रेट करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
लिमिट सब इंटीग्रेट किए, लिमिट डाल दिए, कैलकुलेट किए, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 4 पाई डी स्क्वायर ए पाई अपॉन 3। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दी इलिप्सॉइड। अगर कोई पूछेगा कि इलिप्सॉइड का वॉल्यूम बताइए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और यही मेथड है, ठीक है। जिस तरह से आपने प्रीवियस लेक्चर में एरिया निकाला उसी तरह से यहाँ आप 3D फिगर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर? चलिए, हालांकि मैंने थ्योरी भी बताया सरफेस एरिया का, आप चाहे तो सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आई फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द पोर्शन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अगर याद कीजिए कि यही चीज हम लोग पढ़े थे अबाउट द टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो उस केस में एक रील बन गया था, बट इस केस में रील नहीं बनेगा। ये फोटो आप देख सकते हो, ये आपका पैराबोला हो गया और इसको इस बार रिवॉल्व कराना है, लेकिन कहां तक कट करना है? सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम तक, आगे से मतलब नहीं है। ये हो गया एस ए कॉमा जीरो, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये हो गया एल, ये हो गया एल डैश, दिस इज एल आर लेटेस्ट रेक्टम, आप देख सकते हैं। ये हो जाता है ए कॉमा टू ए और ये हो जाएगा माइनस सॉरी ए कॉमा माइनस टू। इस बार जो है आपको किसको करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट में करना है। क्या करना है, डिस्टेंस यहां पे ले लीजिए, ये मान लो पी है, ये हो गया एम, ये हो जाएगा वाई, इसके अबाउट में रोटेट करना है, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम बनेगा आपका वहां पे, उस जो भी आपका सॉलिड बना इसका वॉल्यूम लिखिए। तो यहां लिखेंगे गिवन पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन टी आई ओ, कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेकिन क्योंकि इस बार आपको इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स का वैल्यू स्टार्टिंग कहां से होगा, जीरो से, क्योंकि ये वर्टेक्स हो जाता है, यहाँ जीरो कमा जीरो हो गया, तो जीरो से लेकर के ए तक इंटीग्रेट करना है, लिखेंगे जीरो से लेकर, क्लियर। चलिए इस बार y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x, तो अल्टीमेटली में इंटीग्रेशन 0 टू a पाई y स्क्वायर के जगह में हो जाएगा 4ax into dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, हो जाएगा 4 पाई a x इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कहां से आता है 0 टू a, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4 पाई a into, ये हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अल्टीमेटली हो जाएगा 2 पाई ए का क्यूब। यही है आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस जनरेटेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम एंड इफ इट रिवॉल्व्स अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब अगर हम एक्सिस ऑफ पैराबोला के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हैं तो जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई 2 पाई ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, तो हम लोग एक इसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकालते हैं। क्या होता है फ्रस्ट्रम, मैं आपको दिखा रहा हूं अगले क्वेश्चन, क्लियर। चलिए हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, ऑफ ए पैराबोला विथ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, विथ रेडियाई आर वन एंड आर टू एंड डिस्टेंस बिटवीन इन्स बीइंग एच। मतलब ये देखो यहाँ से, ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अच्छा पैराबोला यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आप अपने मन से एक पैराबोला कुछ भी मान सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मानो, या मैंने यहाँ पे सिंपली वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जैसा रहेगा उसके कंसर्निंग में आंसर आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू
मतलब पाराबोला का जो भी इक्वेशन रहता है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ रहता है, बट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लो, तुम चाहो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लिया। प्रश्न का मतलब होता देखो, जब इसको हम रिवॉल्व कराएंगे तो हम हमेशा पाराबोलाइड बनेगा, लेकिन इस पाराबोलाइड में कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो यहीं से यहीं तक लेना है, इस पोर्शन को लेना है। तो ये जो पोर्शन बनेगा सॉलिड वाला पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, एफ आर यू एस टू ए, कोई नाम है कुछ भी नाम, ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, नाम इंडिकेट कर दिया फ्रस्टम। तो हमको इसका एरिया सॉरी वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का हमको पता फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा पाई वाई का स्क्वायर, एक्स यहाँ ये हाइट मान लो वाई है यहाँ से, इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस एक्स तक, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू लैम्डा है और यहाँ तक आएगा, दोनों के बीच का हाइट एच है इसलिए लैम्डा प्लस एच हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करना है लैम्डा से लैम्डा प्लस एच। क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसका मतलब अल्टीमेटली हमको लैम्डा को इलिमिनेट करना पड़ेगा, वो बात का बात है। तो यहाँ मान लीजिए लैम्डा क्या है, ए से एल तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, उसके बाद क्या किया इसको हम लोग पाई क्वेश्चन में बाहर कर दिया, वाई स्क्वायर की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए और इंटीग्रेट कर दिए। सिंप्लीफाई जब करते हैं तो अल्टीमेटली आ जाता है टू पाई पाई एच बाई टू, टू पाई प्लस एच, तो टू पाई सॉरी टू लैम्डा प्लस एच, टू लैम्डा प्लस एच को लिख सकते हैं लैम्डा प्लस एच प्लस लैम्डा, लैम्डा प्लस एच प्लस लैम्डा, इसलिए कि क्योंकि लैम्डा प्लस एच एक्स का वैल्यू हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू आर टू हो जाएगा, उसी तरह से लैम्डा लैम्डा का वैल्यू अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट कर्व पर लाई करता है, कौन सा कर्व, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो जब x की जगह में लैम्डा डालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर x की जगह में लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, तो जहां लैम्डा है उसके जगह में r1 का स्क्वायर, देखो r1 का स्क्वायर, और जहां लैम्डा प्लस h है, ठीक है, जहां लैम्डा प्लस h है, अगर हम लैम्डा प्लस h रखेंगे तो उस केस में y का वैल्यू कितना होगा r2, तो लैम्डा प्लस h की जगह में r2 का स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस h की जगह में r2 का स्क्वायर और लैम्डा की जगह में r1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है आंसर भी उसी के टर्म में देना चाहिए, तो क्वेश्चन में लैम्डा नहीं था इसलिए अल्टीमेटली लैम्डा को इलिमिनेट तो करना ही करना है, ठीक है, तो यहां से हम लोग r1 का r1 और r2 के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, क्वेश्चन में h भी दिया हुआ था, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, और मेथड वही है जो हम लोग जानते हैं जिसका हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारा क्वेश्चंस देखा, किसका क्वेश्चन था ये वॉल्यूम ऑफ रिवेलेशन, सॉलिड ऑफ रिवेलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस को इजी वे में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही करके मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, इस सेशन को क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।